हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि नकड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कीवी मिल्क शेक सिखाने वाली हूं जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और फ्रेंड्स, कीवी तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कीवी बहुत ही हेल्दी होता है, तो क्यों ना इसका गर्मियों में, समर्स हैं तो मिल्क शेक बनाया जाए। इसका तो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीवी जो कि मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। तो ये है शुगर। शुगर आप अपनी अपनी उससे एडजस्ट कर सकते हैं। किसी को लाइट पसंद है तो लाइट ले सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो अपनी उससे एडजस्ट कर ले शुगर। एंड ये मिल्क है जो कि ठंडा दूध लिया है मैंने 1 ग्लास, और ये 1 ग्लास के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी दही लिया है। योगर्ट, योगर्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यूजली क्या होता है कि वनीला आइसक्रीम घर में नहीं होती, तो आप उसकी जगह दही भी ले सकते हैं, और अगर आइसक्रीम है तो भी आप भी दही ले सकते हैं, तो अच्छा टेस्ट आता है। इससे स्किप भी कर सकते हैं और लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, बट इसके साथ बहुत अच्छा मिल्क शेक बनता है। और ये वनीला आइसक्रीम, ठीक है, अगर आप होममेड आपकी बनी हुई है तो आप वो भी वनीला आइसक्रीम, वो घर वाली भी ले सकते हैं। ये आइस क्यूब्स जो कि मैंने 6 आइस क्यूब लिए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मिक्सी जार ले लिया है, हम इसमें ठंडा दूध डालेंगे। और आइस डालेंगे। ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बाद में ग्लास में भी डालेंगे। एंड शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग लाइट या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो 1 ग्लास के अकॉर्डिंग इतनी शुगर बहुत है। एंड योगर्ट, योगर्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। योगर्ट लगभग मैं इतना सही, बस इतना सही लूँगी। तो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और आप आइसक्रीम भी इसके अंदर साथ में डाल सकते हैं बाद में, बाकी हम ग्लास में एक पोर करेंगे। अब हम ये कीवी के जो स्लाइसेस हैं वो डाल देंगे। ये मैंने 1 पीस फॉर डेकोरेट के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डाल दिया है सब कुछ। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देखो कीवी का ग्रीन कलर और इसमें जो ग्रीनिश एक अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स, योगर्ट डालने का रीज़न था, इससे थोड़ा गाढ़ापन आता इसलिए हमने योगर्ट डाली थी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें, उसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है। योगर्ट डालेंगे तो भी अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा टेस्ट आएगा। बस योगर्ट इसलिए डाला था कि थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए, एक थिकनेस आ जाए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, तब भी मिल्क शेक बहुत अच्छा बनेगा। तो हम इस तरीके से पोर कर देंगे। आइस क्यूब्स भी डाल देंगे। और वनीला आइसक्रीम है, वापस तरीके से पोर कर दीजिए। और इस तरीके से कीवी का मैंने इस तरीके से थोड़ा सा चीरा लगा दिया था, आप इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं। तो हमारा रेडी है कीवी मिल्क शेक। आप इसे अपने घर में बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बच्चों को वैसे भी कीवी बहुत पसंद है। तो आप इस तरह का कीवी मिल्क शेक, दूध नहीं पीते बच्चे
तो आप इस तरीके से, कीवी पसंद है तो आप इस तरीके से मिल्क शेक बना लीजिए कीवी का, तो इसी बहाने वो दूध भी पियेंगे और मिल्क शेक है भी बहुत टेस्टी। तो आप इसमें मैंगो भी डाल के कीवी मैंगो मिल्क शेक भी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी डाल के स्ट्रॉबेरी कीवी मिल्क शेक बना सकते हैं। तो आप इस तरह से पाइनएप्पल और कीवी डाल के भी मिल्क शेक बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से मिल्क शेक बनाइए। अगर आपको मेरी ये कीवी मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इंडियन फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब एक रेड कलर का बटन होगा, उसके बगल में एक बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी नई वीडियो से अपडेट होते रहें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।